हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने सांभर बनाऊंगी। सांभर बनाने के लिए मैंने ये अरहर की दाल ली है। ये दाल लगभग 150 ग्राम के आसपास है और मैंने इसको आधा घंटा पहले ही भिगो के रख लिया था। ये देखिए, ये थोड़ी थोड़ी फूल भी चुकी है। अब मैं इस दाल को कुकर में रखूँगी। अब मैं इस दाल में 2 कप पानी ऐड करूंगी। देखिए, अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालूंगी। 1 पिंच के लगभग हल्दी पाउडर डालूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। आपको दाल रखते टाइम कुकर में 1/2 चम्मच ऑयल ऐड करना है, जिससे आपका कुकर गंदा भी नहीं होगा और आपकी दाल बाहर भी नहीं आएगी कुकर से। तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ। देखिए, तब मैं कुकर को बंद करके गैस पे रखूँगी। देखिएगा, और गैस को ऑन करूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब मैं अपनी दाल को 3 सीटी तक आने तक वेट करूँगी। इधर मैं अपनी सब्जियाँ काट लूँगी, तब तक इसमें 3 सीटियाँ आएंगी। इधर ये देखिए, मैंने अपनी सब्जियाँ काट ली हैं। इसमें मैंने लौकी काटी है, आधी लौकी। ये 1 शिमला मिर्च काटी है। ये ड्रमस्टिक, इधर मैंने 10 से 12 बीन्स काट लिए हैं छोटे टुकड़ों में। एक मैंने टमाटर लिया हुआ है, उसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट दिया है। अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। गैस पे हम अपनी जो दाल रखी थी उसको चेक करते हैं। उसमें 3 सीटियाँ आ चुकी हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। ये देखिए, हमारी दाल कितनी बढ़िया से बन के तैयार हुई है। अब हमें 1 चमचा लेना है। चमचे से इसको हल्के हाथ से हमें घुमाना है। हमें अपनी दाल को मिक्सी में ब्लाइंड नहीं करना है बिल्कुल भी, इससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हमें सांभर का मसाला बनाना है। मसाला बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। फ्लेम को ऑन करते हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच अपना कोई जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं जो तेल, वही हम इसमें ऐड करेंगे। तेल मैंने इसमें ले लिया है कढ़ाई में। अब इसका मैं गर्म होने तक वेट करूँगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मस्टर्ड सीड्स डालूँगी, 1 टेबल स्पून। जब ये क्रैकल हो जाएगा तो मैं इसमें मेथी के सीड्स ऐड करूँगी। हमारे मस्टर्ड सीड्स क्रैकल हो चुके हैं। अब मैं इसमें मेथी सीड्स यूज़ करूँगी, ऐड करूँगी। ये देखिए, 1/2 टेबल स्पून। अब मैं इसमें 3 लाल मिर्च ऐड करूँगी। ठीक है, अब मैं इसमें 1 हरी मिर्च कटी हुई ऐड करूँगी। ये मैंने 10 से 12 करी लीव्स लिए हुए हैं, मैं इसमें ऐड करूँगी। अब हमें इसमें 1 पिंच हींग ऐड करना है, और हींग हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए इसमें, इससे हमारे सांभर में और अच्छा स्वाद आता है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज लंबे टुकड़ों में कट कर लिया था। ये देखिए, प्याज मुझे इसमें जब तक भूनना है जब तक ये हल्का पिंक ना हो जाए। हमें इसे इस प्याज को ज़्यादा डार्क पिंक नहीं करना है। अगर ये ज़्यादा डार्क पिंक हो गया तो ये खाने में कड़वा लगेगा फिर हमारा सांभर, तो इसलिए हमें हल्का पिंक ही इसको रखना है। ये देखिए, प्याज हमारा हल्का पिंक हो चुका है। अब मैं इसमें 1 बड़ा टमाटर ऐड करूँगी जो मैंने काट के रखा हुआ था। देखिए, टमाटर हम सांभर में इसलिए ऐड करते हैं, इससे थोड़ा सा खट्टापन सांभर में आता है। जब हमारा टमाटर भुन जाएगा तो मैं इसमें अपनी जो सब्ज़ियाँ काटी हुई थी वो ऐड करूँगी। सब्ज़ियाँ मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूँगी।
फिर 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ध्यान रखिएगा हमने दाल में भी 1/2 टेबल स्पून नमक को ऐड किया है, तो उसी के हिसाब से हमें इसमें नमक ऐड करना है। अब मैं इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, ये 1/2 टेबल स्पून है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, ये भी 1/2 टेबल स्पून है। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून सांभर पाउडर ऐड करूँगी। अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी सबको। अब मैं इसमें 3 कप पानी ऐड करूँगी। देखिएगा ये देखिएगा पानी हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये पूरी कुक ना हो जाए। इसको ढक के पकाना है और मैं इसको बीच बीच में चेक करती रहूँगी। ये देखिए हमारी सांभर अब कुक हो चुकी है। अब मैंने इसे 1/2 प्याज ले लिया है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इसको, जिससे ये दिखने में अच्छी लगे। 2 मिनट बाद मैं इसमें एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालूँगी, जिससे इसका स्वाद में खट्टा मीठा बनाए। जिनके पास गुड़ नहीं है वो शुगर भी ऐड कर सकते हैं इसमें 1 चम्मच। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। देखिएगा सारी दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसको खुला ही पकाऊंगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। ये देखिए हमारी सामान उबाल आ चुका है और ये देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। ये देखिएगा ना ही तो इतना पतला बना है ना ही इतना गाढ़ा बना है। जब इसमें 2 उबाल और आ जाएंगे तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और हमारी सांभर बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिएगा हमारी सांभर बनके तैयार है। अब मैं इसको सर्व करूँगी, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। ये देखिएगा मैंने अपनी गर्मा गर्म सांभर को इस बाउल में सर्व कर लिया है। अब आप इसको किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, जैसे इडली, बड़ा या डोसा, या फिर चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं। अब हम इसको चलते हैं खाने और आप भी ट्राई करिएगा, आपको भी अब बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।